संध्या, ये कुछ इलाके हैं जहाँ पर पिछले दिनों में क्रिमिनल एक्टिविटीज़ बढ़ गई है। मेरे ख्याल से हमें यहाँ पर पेट्रोलिंग स्टाफ बढ़ा देना चाहिए। यू नो, क्या हुआ? सूरज जी का मैसेज आया। तुम कुछ कह रहे थे ना? हाँ, मैं कुछ कह रहा था, लेकिन तुम शायद कुछ सोच रही थी। मेरे ख्याल से तुम ये सोच रही थी कि सूरज जी ने ऐसा क्यों किया, उन्होंने क्या मैसेज किया है। हाँ, मैं सोच रही थी, लेकिन अब मुझे कोई कंफ्यूजन नहीं चाहिए, क्लैरिटी होनी जरूरी है। सूरज जी ने कल छोटू के स्कूल बुलाया है मुझे, उसके प्री बोर्ड का रिजल्ट आया है। इसका मतलब वो अभी भी तुम्हें अपने परिवार का हिस्सा समझते हैं। आई होप तुम कल जा रही हो। पता नहीं जाकिर, उन्होंने तो मुझे इसलिए छोड़ा ना क्योंकि उनके हिसाब से मैं रिश्तों को अहमियत नहीं देती, वो मुझे छोटू के स्कूल बुला रहे। समझ नहीं पा रही हूँ कि आखिर वो क्या सोच रहे हैं मेरे बारे में। ये जानने के लिए तुम्हें वहां जाना पड़ेगा, लेकिन इस एक मैसेज से ये तय हो गया कि तुम दोनों के बीच अभी पूरी तरह से बात खत्म नहीं हुई। मैं थोड़ी देर के बाद आता हूं। था तो फोन नहीं कर सकते थे, इसे मैसेज क्यों किया? अरे आपको फिक्र करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, आपका काम हो जाएगा, डोंट वरी। जी जी जी, ओके जी। विक्रम साहब कहिए। जी, मैं ये कह रहा था कि मुझे सूरज भैया ने ये कहने के लिए भेजा कि मैं बस 3-4 दिन में आपको सारे पैसे लौटा दूंगा। 9 लाख का कर्जा हमने आपसे जो लिया था वो अब हम जल्दी ही चुका देंगे। आज सुबह ही हम सरकारी दफ्तर गए थे, हमें बस 2 दिन में चेक मिल जाएगा। अरे कैसी बात करते हैं विक्रम जी, कोई बात नहीं, आपके परिवार पर हमें पूरा भरोसा है, और वैसे भी पैसों से ज्यादा जुबान की कीमत होती है। जी, आपका बहुत बहुत आभार, मैं चलता हूँ। जी जी बिल्कुल। नमस्कार। नमस्कार। बैठ के बातचीत करें? हाँ बैठिए, बिल्कुल कहिए। जी क्या है कि वो कुछ एक छोटा सा काम था आपसे। अरे साहब, हम काम आने के लिए ही तो बैठे हुए हैं, बताइए कितना लोन चाहिए आपको। जी मुझे पैसे नहीं चाहिए। तो फिर मुझसे कैसा काम? मुझे राठी परिवार का स्वाभिमान, उनकी सुख शांति चाहिए, जिसकी चाबी इस वक्त आपके पास है। आप बात को समझ नहीं आई, सर अब विस्तार से बताएंगे आप? हाँ क्यों नहीं। पूरे 2 लाख रुपए, और मेरे हिसाब से ये सौदा बहुत अच्छा है। सौदा अच्छा नहीं, बहुत अच्छा है। बताइए क्या काम करना होगा मुझे।
ठाकुर जी करे संध्या बेनी भी आज छोड़ के सकुल पहुंचे, पता नहीं उसका जवाब आया होगा कि नहीं। ले चल, आज दाढ़ी मना बनाए। दाढ़ी ना करूं? पर क्यों भाबो? आज तो ना शनिवार है ना गुरुवार है, फिर कड़क बार है। मना बनाए जी भाबो। इतनी ठंड में आप क्यों काम कर रही हैं? दो बहुएं हैं तो आपकी, दीजिए मुझे। मीना भाभी, जब बाल बना चुके तो ये छील लीजिएगा। तबीयत कैसी बाबू आपकी? रे एकदम ठीक हूं। मीना बीनी जी बाबू, छवि के साथ भेजने वास्ते ना लड्डू बना दे जी। और हाँ इमली भी, छवि का नाश्ता बना दे फटाफट जी भाव। सूरज, तू छवि ने ना अपने ससुराल छोड़ा है, समधन सा बटे एकली घर संभाल रही हो, परेशान हो रही हो, और फिर उनकी तो इकलौती बहू है ना बाबू। आप चिंता को नहीं करो, मैं अपनी ननद बाईसा के लिए अच्छा सा नाश्ता बढ़िया से लड्डू बना देती हूँ फटाफट से, है ना छवि? चल चल मिश्री, चल चल। नहीं भाबू, मम्मी जी ने मुझे कहा है कि जब तक आप ठीक नहीं हो जाती मैं आपके पास ही रहूं। अरे जे तो उनका बड़प्पन है, वैसे मैं अब बिल्कुल ठीक हूँ, और तुम्हारी सेवा करने के वास्ते तुम्हारी दो दो बहुएं हैं, पर उनका के समधन सा की इकलौती बहू ने मैं अठे रोक ली। नाना छोरी, तू अपने घर आ जा। नहीं बाबू। अच्छा दिलीप जी आ रहे ना जर्मनी से, वापसी मिलने तो आएंगे ही, जब वो आएंगे तो मैं उनके साथ ही निकल जाऊंगी। और हाँ बाबू, मुझे आपके पास कुछ और दिन रहना, अब क्या मेरे इतना हक भी नहीं बचा कि मैं आपके पास रह लूं? अड्डे रुकने से हमारे को कोई ऐतराज को नहीं, पर बटे बटे समधन सा एकली परेशान हो रही होगी। अरे बाबू सही कह रही है छवि, जा। ये बच्चे समझते नहीं है। छवि यहाँ से तो जल्दी निकलना पड़ेगा, पर तू जाएगी कहाँ? मम्मी जी ने तो घर से निकाल दिया है। छोटू पूरी तैयारी है ना, कोई घबराहट कोई परेशानी तो ना है ना? अरे चिंता करने की कोई बात नहीं, मुझे भरोसा है, हर बार की तरह परीक्षा में इस बार भी थारा परिणाम बहुत अच्छा आएगा। छोटू जरा गाजर अठी ने लेकर आ। जी बाबू। ये लीजिए बाबू।
घर आए हो कि अभी तक संध्या भाभी सा का कोई मैसेज नहीं आया, पता नहीं वो आएंगी भी या नहीं। आवेगी, जरूर आवेगी, अच्छी तरीके से जानूंगी मैं उसे। आपकी सर्विस तो बहुत अच्छी है, चेहरे पे एक अलग ही निखार आ गया है। थैंक यू सो मच नेहा जी, और आते रहिएगा। हाँ हाँ जरूर आऊंगी, और अगली बार तो पैसे भी दूंगी। पैसे भी देंगी मतलब? नेहा जी मैं कुछ समझी नहीं। हाँ आज की सर्विस तो फ्री है ना, मुझे भाभी ने खुद ऐसा बोला। नेहा जी आप किसकी बात कर रही हैं? तुम्हारी जिठानी मीना भाभी, अभी राखी साड़ी सेंटर गई थी, वहाँ मुझे उन्होंने बताया कि तुमने कुछ ऐसी स्कीम शुरू की है कि वहाँ से 5,500 की खरीदारी करो और यहाँ पे 550 रुपए का ऑरेंज फेशियल फ्री। इसीलिए मैंने वहाँ से 5,500 की खरीदारी की है। अब ऐसी स्कीम बोल के मना मत करना। नहीं नहीं स्नेहा जी कोई बात नहीं, थैंक यू। अब मैं बताती हूँ इस छोटी जेठानी जी को। कर छोटू, इस कुर्तों को बिना आज फिर से बिगड़ना था और देर हो गई। अरे हाई टीचर साहब नाराज हो रही होंगी, जल्दी कर। कहां से? यहां से? हाँ। मैडम जी क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? आइए सूरज जी आइए। माफी चाहता हूँ मैडम जी, वो देर हो गई, वो दरअसल रास्ते में स्कूटर खराब हो गया था। कोई बात नहीं आप बैठ जाइए। बैठिए आप सूरज जी। वैसे भगवान ने आप दोनों की जोड़ी बहुत ही खूबसूरत बनाई है। आप लोगों को एक कॉम्प्लीमेंट देना जरूर चाहूंगी, आप लोग कलर डिसाइड करके कपड़े पहनते हैं क्या? मैंने आप लोगों को एक जरूरी बात के लिए बुलाया था। ये छोटू का रिपोर्ट कार्ड है, आप लोग प्लीज दोनों देख लीजिए।
मुझे विक्रम जी से मिलना था। जरा उन्हें बुला देंगी आप? वो ये तो बाहर गए हैं, अब बड़े बाजार गए हैं, घर में कोनी, फिर वो अच्छा कोई बात नहीं, घर में कोई और आदमी हो तो उन्हें बुला दीजिए, मुझे जरूरी बात करनी है। आप भाई साहब, मोहित भी किसी काम से बाहर गए हैं और उनको आने में कम से कम आधा घंटा तो लग ही जाएगा। अच्छा, पर आप कौन है? जी मैं विक्रम का पिताजी हूँ, आप मुझसे बात कर सकते हैं। नमस्ते राठी जी। हाँ नमस्ते, मुझे कुछ जरूरी काम था इस वजह से आना पड़ा। बात यह है राठी साहब कि विक्रम जी ने मुझसे अपनी माता जी के इलाज के लिए 9 लाख रुपए उधार लिए थे, मैं उसी की बात करने आया था। मगर भाई जी, कल ही रात तो ये आपसे मिलने आए थे और आपको बताया भी तो था कि 2-3 दिन में आपको पीछे मिल जाएंगे, हमें भी तो पीछे मिलने वाले ना, फिर आप यहाँ पर किस लिए? जी भाभी जी, विक्रम जी आए थे मेरे पास। हाँ, हाँ। और हमारी बात भी हुई थी कि 2-3 दिन में वो मेरे पैसे वापस लौटा देंगे। लेकिन माफ कीजिए, मुझे कुछ जरूरी काम आन पड़ा, इस वजह से मुझे पैसों की जरूरत पड़ गई, तो पैसे मुझे आज ही चाहिए। ही तो बुलाया था सूरज जी, फिर मुझे देखकर हैरान क्यों हो रहे? आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।